नमस्ते बच्चों, आज हम देखेंगे वर्ग सात का गणित। यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्नावली 2.3। सबसे पहला सवाल है, सवाल के अनुसार हम देखते जाएंगे। सबसे पहला सवाल है ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? पहला नंबर है 1/2 का 2/3। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि का मतलब क्या होता है, गुना। तो 1/2 गुना 2/3। यहां पर दो दो कट जाएगा, 2 × 2 कितना हो गया, 1 × 1 1/3। यही हो गया हमारा आंसर। तो इसी के आधार पे आप पहला नंबर का बाकी सवाल हल कर लेंगे। दूसरा नंबर है सरल कीजिए। प्रश्न नंबर 2 सरल कीजिए। 3/5 गुना 13/15 गुना 17/9। अब हम देखेंगे कि किस भिन्न का कौन कौन सा अंक विभाजित होता है। यहां पर देखेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, ऊपर में बच गया 13 और 17 नीचे में है 5 और 9, तो कोई किसी से विभाजित नहीं होगा। तो हम बाकी को गुना करके लिख लेंगे, 13 और 17 को गुना करना है, 13 × 7 = 91 का 1, इस प्रकार से आप लिखें। बाकी कितना बचा, 9 × 13 = 9, 13 × 13 = 9 = 22, 221 221 / 5 × 25 25 को 9 से गुना करेंगे, 25 × 9 9 × 5 = 45 45 × 5 कितना बच गया, 4 9 × 18 = 22 तो हो गया 225 221/225। तो यही हो गया हमारा आंसर। तीसरा नंबर, 1 रुपये का 3/5 आपको निकालना है, कितना होगा 1 रुपये का 3/4। तीसरा नंबर, 1 रुपये का 3/4। तो सबसे पहले आप रुपये को पैसे में बदलिए, तो हो जाएगा 1 रुपया = 100 पैसा। अब हम निकालेंगे 100 पैसे का 3/4, 4 × 4 = 8, 4 × 5 = 20, यानी 25 × 75 पैसा। इसी तरह से बाकी सवाल आपका बन जाएगा। दूसरा नंबर है 1 किलोग्राम का 2/5, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम। उसी तरह से 1 वर्ष का 1/3, तो 1 वर्ष को दिन में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 365, या महीने में भी बदल सकते हैं, 1 वर्ष में 12 महीना। चौथा है 1 दिन का 3/8, तो 1 दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा, 24 घंटा का 3/8। बाकी सवाल इसी तरह से बनेगा, 1 लीटर का 1 लीटर में 1000 मिली लीटर। चौथा नंबर है कौन बड़ा है, 1/2 का 5/7 अथवा 1/3 का 1/5, कैसे हम हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4, कौन बड़ा, 1/2 का 5/7 अथवा 1/3 का 1/5, 1/3 का 1/5, दोनों में कौन बड़ा है। तो एक एक करके हम लिखेंगे,
एक बटा दो का मतलब गुना पांच बटा सात, क्या आंसर आया? पांच सात गुना चौदह। अब यहां हम देख रहे हैं एक बटा तीन का एक बटा पांच, एक का एक तीन पचे पंद्रह, यहां हो गया पांच बटा चौदह, यहां है एक बटा पंद्रह, यानी पंद्रह का एक भाग और ये है चौदह का पांच भाग, कौन बड़ा हो रहा है? तो हम क्या करेंगे, दोनों का लासा निकालेंगे, चौदह और पंद्रह दोनों विभाजित नहीं होगा तो गुना करेंगे, पंद्रह चौके साठ, पंद्रह का पंद्रह और छह इक्कीस, दो सौ दस। अब हम यहां पर लिखेंगे पांच बटा चौदह किसे गुना करेंगे, पंद्रह से ऊपर नीचे गुना करेंगे, पंद्रह पचे पचहत्तर और चौदह को पंद्रह से गुना की कितना आया, दो सौ दस, यानी पचहत्तर बटा दो सौ दस। अब एक बटा पंद्रह का करते हैं गुना चौदह से, चौदह एक चौदह बटा दो सौ दस, चौदह बटा दो सौ दस, यहाँ है आपका पचहत्तर बटा दो सौ दस, यहाँ है चौदह बटा दो सौ दस, हर दोनों का समान है तो संख्या कौन बड़ा होगा आपका, ये बड़ा हो गया, यानी एक बटा दो का पांच बटा सात बड़ा है किसे, एक बटा तीन का एक बटा पांच से। तो इस तरह से आप बाकी सवाल हल करेंगे। अगले सवाल की ओर हम जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, सीता एक घंटे में एक पुस्तक का एक बटा तीन भाग पढ़ती है, कितना पढ़ती है, एक बटा तीन भाग। प्रश्न नंबर पांच, प्रश्न आप किताब देख करके जरूर उतारेंगे, एक घंटे में, एक घंटे में एक बटा तीन भाग पढ़ रही है, तो दो पूर्णांक एक बटा चार घंटे में, दो पूर्णांक एक बटा चार, तो सबसे पहले उसको साधारण भी में बदल देंगे, चार दुना आठ और एक नौ, नौ बटा चार घंटे में ज्यादा पढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, एक बटा तीन गुना नौ बटा चार, तीन का तीन तीन तिया नौ, तीन बटा चार भाग, कितने में घंटे पड़ेगी, दो पूर्णांक एक बटा चार घंटे में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर छह, शीतल अपने बगीचे में छह छोटे पौधों को एक पंक्ति में लगाती है, दो क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी है दो बटा तीन मीटर, तो प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो छह छोटे पौधे लगा रही है, मान लो पहला पौधा यहाँ पर है इस तरह से, दूसरा है यहाँ, तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो एक दो तीन चार पांच छह, तो ये दोनों पौधे, दो पौधों के बीच की दूरी कितना है, दो बटा तीन, दो बटा तीन, तो कितना बार दो बटा तीन आ रहा है आप देखिए, दो बटा तीन, ये दोनों के बीच दो बटा तीन, दो बटा तीन और ये दोनों के बीच भी आ रहा है दो बटा तीन, तो हमको निकालना है पहला पौधा और अंतिम पौधा के बीच की दूरी, तो कितना बार हो रहा है, एक दो तीन चार पांच, यानी दो बटा तीन हमारा कितना बार आ रहा है, पांच बार आ रहा है, तो हो जाएगा पांच दुना दस, दस बटा तीन, अब भाग देंगे तीन तिया नौ, दस में नौ घटाएंगे कितना बचेगा एक, तो तीन पूर्णांक एक बटा तीन, इतना दूरी हो रहा है पहला पौधा और अंतिम पौधा के बीच में, तीन पूर्णांक एक बटा तीन मीटर। क्लियर है?
आगे हम जाएंगे प्रश्न नंबर 7। लतिका एक घंटे में 6.12 किलोमीटर पैदल चलती है। जो भी मिश्र भिन्न में है आप कोशिश करें उसको साधारण भिन्न में पहले बदलने का। 6.12 तो हो जाएगा 6×12 और 1×13 किलोमीटर, और 2×1/3 3×6 = 7, 7/3 किलोमीटर, 7/3 घंटा। तो क्या कह रहा है, लतिका एक घंटे में कितना जा रही है, 6.12 किलोमीटर, तो वह 2×1/3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ज्यादा तय करेगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, 13/2 × 7/3, कोई नहीं कटेगा, डायरेक्ट गुना करेंगे, 13×7=91 और 3×6, पूर्णांक में बदलेंगे, 15×6=90, 91×90 घटाएंगे 1, इतना किलोमीटर दूरी तय करेगी, किलोमीटर 91/6। यानी कैसे हम भाग दिए, देखो 91 6 से भाग दिए, 6×6 माइनस करेंगे, 9×6=3 और 1×6=30 घटा देंगे, कितना शेष बाकी बचा 1, यानी 15 पूर्णांक जो शेष बचा ऊपर लिखेंगे 1/6 किलोमीटर दूरी वह तय करेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। एक वर्ग का प्रत्येक भुजा 2.23 मीटर लंबा है, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये प्रश्न आप अपने से बनाएंगे। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है वह होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा। तो एक भुजा आपको दिया हुआ है 2.23, दो इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे और गुना करके निकालेंगे उसका क्षेत्रफल। तो ये आज आपका होमवर्क रहा, आप वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे और सभी प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे, आप कॉपी में बना करके ठीक से फोटो खींचकर व्हाट्सएप करेंगे। धन्यवाद।